गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो अब ये भाग 6 है, तो लास्ट भाग है। ये भाग पूर्ण करने के बाद आपको अपनी नोट में अभ्यास और स्वाध्याय लिख लेना है। तो प्रश्न करता है कि श्री नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। तो उनका प्रश्न है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो डॉक्टर कलाम का जवाब है कि विजन 2020 में रक्षा अनुपयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 का अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने की अपने सहयोग दे सकती है। तो इसके पैराग्राफ में बताया गया है कि उसका प्रश्न है। तो अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि तीनों सेनाओं में, यानी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उसमें तीनों सेनाओं में महिलाओं को उच्च स्तरीय सेवा प्रदान की जाती है। यानी आज सेना में महिला भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है और हमारे देश की गौरव की बात है। फिर आगे उपकरण यानी साधन, निष्ठा, फिर बहुगुणक बहुत महत्वपूर्ण, सामरिक यानी युद्ध से जो संबंध रखने वाला है वो। आगे का लास्ट का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे हैं अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कलाम का जवाब है, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। तो मंच है, मंच पर अपने कुर्सी देखी होगी, अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण। तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। यानी भविष्य में हम जो भी अनावश्यक खर्च करते हैं तो वो खर्च नहीं होने चाहिए। तो उसका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। जो नेताएं हैं बड़े बड़े, तो क्या करते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं और गरीब रेखा के नीचे जो जी रहे लोग हैं वो ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे आप शब्दार्थ लिख लेना, उसमें अभ्यास में 5 प्रश्न हैं। परिचित को शुद्ध रूप में लिखिए, वो चलेगा। फिर आगे प्रश्न 3 और 4 लिखना है। फिर स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 में कहानी है वो पूर्ण करनी है, और प्रश्न 4 में मातृभाषा में अनुवाद करना है। इतना अपने नोट में लिख लेना। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।